अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक। और जबल खंदमा पे यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना मक्का का बेस्ट व्यू नज़र आता है, ख़ास तौर पे सामने मस्जिदुल हराम। और हो गई आसान हो गई। Assalamu alaikum everyone, this is Yazdan. Assalamu alaikum, this is Amir. So, आज हम जाने वाले हैं बहुत स्पेशल जगह पे विद अब्दुल मलिक फरीद भाई, ओसामा भाई और हारिस भाई। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। चलिए जी, ठंडे ठंडे होटल से बाहर निकल रहे हैं और हमें जाना है यहाँ से सामने जाना है, वहाँ पे आएंगे हमें लेने हमारे भाई ओसामा भाई मस्जिद के पास। चलिए। लो जी, गाड़ी ले ली हमने, चला नहीं जा रहा हमसे तो अभी। नहीं, आगे आगे आगे। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। चलो भाई, 10 रियाल में जुगाड़ कर लिया, 20 रियाल, फिर 15 रियाल, फिर 10 रियाल, माशाल्लाह 5-5 रियाल दोनों के। सामा भाई आ चुके हैं हमारे, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, ट्रकों पे चढ़ने का माजरा था, आपको इंतजार करवाया। नहीं नहीं भाई, कोई मसला नहीं यार, यहाँ पे अभी रमजान का वक्त है तो आई थिंक रमजान की वजह से यहाँ पे रश होता है ना, थोड़ा नीचे तक आने देते हैं। अच्छा जी, रमजान में बस ये है कि स्पेशली अभी अफ्तारी में तो बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लग जाती है, मतलब असर के बाद टर्न वालों की और आगे जाने वालों की, तो उन्हें कोशिश करते हैं उधर कुदाई में पार्किंग लगा दे। लो जी, ये सामने है जमजम फैक्ट्री, ये जो सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग, दिस इज जमजम फैक्ट्री। सारी बॉटल्स यहीं से रिफिल होती हैं भाई, सारा पानी यहीं से रिफिल। मक्का की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद में आए हैं हम, अल राजी मस्जिद। तो सामने देख सकते हैं आप, और ये मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो है 49,000 लोग एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी पार्किंग इतनी बड़ी है माशाल्लाह। ये देखिए सामने इसका व्यू। लो जी, एंट्रेंस है मस्जिद की। टोटल कितनी एंट्रेंस है इसकी? चारों तरफ से, माशाल्लाह। तो यहाँ पे इफ्तारी का पूरा इंतजाम होता है माशाल्लाह, ये पूरे मैदान में। ये मेन एंट्रेंस है ना, ये देखिए। एंट्री हो रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इतनी खूबसूरत मस्जिद है। लो जी, हारिस भाई आ चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? माशाल्लाह। चले, चलिए जी। चलो जी, गाड़ी चेंज होगी हमारी, गाड़ी पे गाड़ी चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं भाई जान? कैसे हैं भाई जान? ठीक ठाक, माशाल्लाह। मक्का आ गए वापस, जज़ाकअल्लाह भाई। ये मेरे साथ है आमिर भाई।
जी अभी हम लोग शहर जज़ायर पे आ गए हैं, अल जज़ायर स्ट्रीट। ये अल अतेबिया में है, अतेबिया इस इलाके का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है अतेबिया। और ये हमारी मस्जिद है मोहल्ले की सबसे बड़ी। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग सूबिया लेते हैं, जो शरबत यहाँ पर पीते हैं ना अक्सर, मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, तो वो सूबिया सबसे पहले लेते हैं, उसको सूबिया कहते हैं। और यहाँ पे हम इफ्तारी का सामान ले रहे हैं अब्दुल मलिक फरीद भाई के साथ। इसमें दो तरह के लेते हैं हम लोग, एक करकदे एक सूबिया। करकदे भी होता है, अब दोनों यहाँ के फेमस हैं तो दोनों ले। ये ले, मेहमान हैं उनसे नहीं लेना, ले लें। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से ले लें प्लीज़। नहीं नहीं, हमसे लें भाई, फिर मैंने रोज़ाना आना है फिर। नहीं नहीं, इन्होंने रोज़ाना आना है, हमने एक ही बार आना है भाई जान। एक करके दे एक सूबिया। अरे ये तो ये गलत बात है। होगा होगा, वहाँ पे मदीना में भी सबने ऐसे किया था, यहाँ पे भी ऐसे ना करो। कोई मसला नहीं, नहीं लेंगे आपसे, ये हमारे मोहल्ले में है। आप 50 मिलना चाहिए, आपको हो गया ठीक है। आप बिजनेस मैन तो नहीं? ये बहुत बड़े बिजनेस मैन है, आपने सही पहचाना। हाँ, ये इंडिया से हमारे दोस्त आए। हाँ, आपका नाम बता दें आप। फिदा हुसैन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी रहते हैं, ले लो भाई। जनाब अल्लाह, हमारे उसामा भाई को इधर हम लोगों ने ड्रॉप करना है जहाँ से हमने लेना है फूल। और ये हमारे मोहल्ले का क्या, मक्का में भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और लकीली हमारे ही मोहल्ले में। तो यहाँ से हमारे उसामा भाई जो है ना फूल लेके आएंगे, और फिर हम लोग आगे जाके ब्रेड और समोसे वगैरह लेंगे। चलें जी उसामा भाई, वो सामने वाली दुकान है फूल की। हाँ जी, ये छोटी सी दुकान। अभी हम यहाँ से समोसे वगैरह लेने वाले हैं, स्नैक्स, और साथ में फरमोजा होता है, मंतो होता है, मोमोज, ये सारी चीज़ें होती हैं, कुबेबा होता है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ यहाँ की। आपकी वीडियोस में काफ़ी बार देखा है ये सब चीज़ें। हाँ, वही चीज़ें मैं चाहता हूँ आप खाएँ, क्योंकि आप पहले माशाल्लाह इस्लाम में आने से पहले भी आप मेरी वीडियोस देखते थे, उस पर रिएक्शन था आप, तो मैं चाहता हूँ कि वो वाली फील और वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिले। और इनके ही मोहल्ले में, इनके घर के पास जहाँ से ये निकलते थे माशाल्लाह, मैंने हमेशा देखा है इन्हें। और फिर अभी जब हम आ भी रहे थे ना, फ्लाइट में थे, टैक्सी में थे, कार में थे, तो आपका ही व्लॉग देख रहे थे, जो आपका फर्स्ट इफ्तारी का व्लॉग है, वो व्लॉग भी शूट हुआ है, वो यूट्यूब पे आ भी गया है, फर्स्ट व्लॉग हमारा। आपको चीज़ पसंद है या कीमा पसंद है? चीज़ खम सब खम सब मुशक्कल ओ अदीन कुबेबा ओमा संबोसा जो बन बेखम सब। लो जी, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं है ना जी, सब ले इसको। हाँ, सब लेंगे, पाँच पाँच के, पाँच पाँच। हाँ, सारा कुछ ट्राई करना है भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी इफ्तारी होने वाली है आज भाई के साथ, मुझे लगता है तरावी ज़बरदस्त होगी। तरावी पढ़नी है आपने, फिर मेरी तो इफ्तार होती ही, हमें तरावी के बाद भी भूख लगती है भाई। वो कम खाते हैं ना इसलिए। लो जी, हम अभी आए हैं यहाँ पे, क्या लेने? हमारे यहाँ वहाँ पर तंदूर होते हैं, अच्छा यहाँ पर मखबज होते हैं। अच्छा, ये वो तमीज़ बड़ी वाली, माशाल्लाह। तो यहाँ पे ऐसे ही सब, मतलब खुद से आइए शॉपिंग सेंटर जैसे और उठाइए, और ये तंदूर है, तंदूर बस। अच्छा, ये ताज़ा है ना भाई, ताज़ा रोटी माशाल्लाह। हाथ लगा के देखो, आपका रोज़ा खराब होगा। सही बात है भाई, मैं तो बहुत मैसेज कर रहा हूँ, ऐसे मत किया करो यार। रोटी ले लिए, इतनी नरम रोटी, इतनी गर्म रोटी, माशाल्लाह भाई, दिल लगे हुए, खुशबू आ रही है। इसीलिए आपने बोला कि यहाँ से लेंगे, ये ताज़ा इधर से। तो जी, हम फरीद भाई के साथ आए हैं, इनकी फेमस जो ये तमीज़ होती है, बड़ी रोटी, रोटी लेनी है। क्या बोलते हैं? तो रोटियों के भी अलग अलग नाम है, तमीज़ों के भी, बिस्किट है, आई नहीं है, बुर है। अच्छा जी, हाँ। तो यहाँ पे ऐसे सूबिया मिलता है सड़क के किनारे। भाईजान, हाउ मच? 2 रियाल। ओके, 20 रियाल। 20 रियाल की बोतल है भाई जान, की बोतलें से ला रहे हो बंदे। लो जी, गड्डी फंस चुकी है हमारी, आ जा है भी गड्डी इतनी मोटी। अच्छा, पीछे आना पड़ना।
अल्लाह अकबर। या रब। आमिर भाई, यू फाइन? यस। यू ओके? एब्सोल्युटली फाइन। हाउ यू फीलिंग ब्रदर? माशाल्लाह। फरीद भाई को भी इन्वाइट कर लो। इंडिया फार्म हाउस पे माशाल्लाह। इंडिया आइए। इंडिया वाले जब वीजा देंगे तब आऊंगा। भाई की काफी अच्छी पहचान है, अब ये कर सकते हैं। मैं तो चलो खैर ये कर देंगे इंशाल्लाह सेटिंग आपकी। आमिर भाई कहाँ से हैं आप? बम्बे से? पुणे से। पुणे से, पुणे से। जी हम अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई के साथ। और ये पहाड़, इस पहाड़ का नाम है जबल सईदा, सईदा सईदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से मंसूब है, क्योंकि हम खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक इधर नीचे इस पहाड़ के बाद अल्माला है। और यहाँ से डायरेक्टली क्लॉक टावर व्यू है या हरम व्यू भी है? वो तो आप देखें और इनको देखें। मैंने सुना है दिसंबर में ये सब ग्रीन ग्रीन हो गया था। हाँ फिर से सूखा हो गया जी। यहाँ से तो क्लॉक टावर ही दिखता है बस, और साथ में शहर भी मक्का है। मक्का का शहर माशाल्लाह। तो आज की इफ्तारी होगी यहाँ पे माशाल्लाह। अभी काफ़ी टाइम है, अगर हम यहाँ पे बैठ गए तो हमें रोज़ा लग जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक टावर है सामने, और ये मक्का का शहर। चलो आमिर भाई, क्या लेके आना है आपको? क्या चाहिए? फ्रूट लेंगे। फ्रूट नहीं खाए बहुत दिनों से अपन ने। आमिर भाई को बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है, कब से आमिर भाई बोल रहे हैं मुझे खजूर खाना है, खजूर खाना है, खजूर खाना है। माशाल्लाह है, खजूर खाना है, खजूर तो खाना है। खजूर के मजा। सामने मस्जिद देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये शहर ही एकदम प्यारा शहर है, बहुत प्यारा है। और अभी मौसम भी ठंडा हो रहा है, गलियों में ना फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। ये मेन मक्का है ये, और अच्छा लग रहा है आपको? फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स। लो जी फ्रूट लेते हैं, अभी पहले तो सेब लेते हैं। क्या भाई? मिक्स मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट लेना है। और ऑरेंज ले लो, ऑरेंज। एक अंगूर ले लेते हैं। हाउ मच ब्रदर? अरे नहीं लेता पैसा, वो पैसे नहीं लेता। कितना? दस रियाल है। दस रियाल दो भाई को। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। और भाई खजूर? कितने गाड़ी? वो रही आपकी गाड़ी जी, गड्डी आ गई। बड़ी गड्डी में बैठने का स्टाइल अलग होता है। पहाड़ चढ़ो जी, 4x4 लेके आए भाई। नहीं भाई, क्या ड्राइविंग पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है भाई ने जिस तरह से वो कट मार के जबरदस्त। मैं तो अपनी लेक्सस पे इतने रिस्क नहीं लेता जितने भाई ले रहे थे ना उधर। हाँ ना ना ना। ओहो माशाल्लाह। आमिर भाई आपको शायद से ज्यादा रोजा लग रहा है, लेकिन आपका मैं जज्बात मजरूह करता हूँ। अभी 20 मिनट पूरे पड़े हैं अजान। जज्बात मजरूह समझते हैं? नहीं समझे। इधर वांट टू ब्रेक योर इमोशंस, आपका दिल तोड़ना चाहते हैं वो। जज्बात इमोशन। माशाल्लाह इस जगह पे आए हम, सामने ही क्लॉक टावर है और यहीं पे हमने इफ्तारी करनी है। यहाँ पे सारे इफ्तारी करने आए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो यहाँ पे जगह भी बहुत खूबसूरत है ये माशाल्लाह। भाईजान ने फुल ऊपर। तो जी सामान आ गया, खैर है। चलो जी अल्लाह, फोटो बहुत ज़बरदस्त आएगी इधर माशाल्लाह। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। यहाँ पे नज़ारा देखिए, और ये हमारे भाई साहब हैं सारे, और ये हमारा खाना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जबल खंदमा पे जी। और जबल खंदमा पे यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना मक्का का बेस्ट व्यू नज़र आता है, ख़ास तौर पे सामने मस्जिदुल हराम और साथ में जमजम टावर, और उस तरफ जबल उमर है, ऊपर वो स्काई मुसल्ला भी अभी बना है, तो वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इफ्तार का जो है ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे यहाँ पर जब आप पहाड़ पे बैठते हैं ना, हवा वगैरह लगना बहुत ज़बरदस्त, वो भी मक्का के मक्का में, वो भी पूरी फील आती है। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट प्लेसेस हैं इन मक्का, जहाँ पर बैठ के आप इफ्तार ख़ास तौर पे इफ्तार का अपना एक एक्सपीरियंस है। और ख़ास तौर पे जब ये लाइटें अब ऑन होंगी ना मक्का की, और ज़्यादा डूबेगा, फिर एक नई तस्वीर आपके सामने बैठे बैठे ही आपको नज़र आएगी माशाल्लाह। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने 2-3 साल पहले आई थिंक देखा था भाई का व्लॉग यहाँ पे, तो हमने भी ख्वाहिश की थी कि एक दिन मक्का जाएंगे। तब तो इतना वो भी नहीं था कि कभी मक्का भी जा पाएंगे या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे बुलाया
और यहाँ पे हम इफ्तारी भी करेंगे और सामने हरम व्यू है, मक्का टावर है और इतने बेहतरीन लोग हैं हमारे साथ माशाल्लाह। और वो देखो आमिर भाई कहाँ चढ़े हुए हैं। आमिर भाई अरे अरे माशाल्लाह। तो ये ख़ास तौर पे यहाँ पर जो मक्का ग्रीन हो गया था वो घास का कलर अभी देखें यहाँ पर ब्राउन हो गया, और ये ख़ास तौर पे जो सीनरी है ना इस टाइम पे देखें, इधर मक्का के पहाड़ तो आपको नज़र आ ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर मस्जिदुल हराम का भी खूबसूरत व्यू है और मक्का का बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर हेलीकॉप्टर भी जा रहा है अगर आपने ना देखा हो तो देखें माशाल्लाह। उधर बाइक पे भी कोई भाई जा रहे हैं, अब्दुल रहीम भाई की बाइक मस्त है बस। हाँ, मक्का में बाइक होना तो बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो देखें ना मक्का का मस्जिदुल हराम के साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस तरफ अगर आप देखें ना वो लाल लाल घर, अच्छा ये बिल्कुल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है मक्का का माशाल्लाह, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बैठ के ये एक ओवरऑल एक जिंदा तस्वीर जो है ना इसका नज़र आता है माशाल्लाह। लो जी यहाँ पे फोटोशूट चालू है माशाल्लाह, देखिए लोग वेट करें, चलिए अजान हो रही है, बिस्मिल्लाह करें, हो गई होगी अजान, हो गई बिस्मिल्लाह, नहीं हुई नहीं हो, ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये देखिए ये तमीज़ इतनी गर्म थी, अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है गर्म, तो चटनी तो देखो। हाँ ये देसी घी है, देसी घी है वो माशाल्लाह। ये होती है प्याज। अरे अरे माशाल्लाह आमिर भाई से रुका नहीं जा रहा। ये तेल इस पे डाल दिया देसी घी माशाल्लाह। हाँ उसको फिर जैतून के साथ खा लें। जी उसको जैतून के साथ कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह देसी घी भाई, जिसका भी रोजा है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं ये बुजुर्गों को ज्यादा सही बात है, आजकल के बच्चे देसी घी खाते नहीं ज्यादा। यहाँ देखिए माशाल्लाह जैतून का तेल आ गया, अल्लाह करे कल की याद ताज़ा हो गई। सो गाइस यहाँ पे सऊदी में ऐसा समोसा होता है, इसको हमारे इधर आमिर भाई क्या बोलते हैं, इसको मीठा होता है ना, कनोले, हाँ समथिंग, हाँ हाँ वो मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, बट यहाँ बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे टर्किश डिश भी है, लो जी यहाँ पे चाय हम बना रहे हैं माशाल्लाह, हम नहीं बना रहे, हारिस भाई बना रहे हैं माशाल्लाह। हारिस भाई आप पहले से ये काम करते हैं या अभी स्टार्ट किए हैं? इंडिया का काफी तजर्बा है माशाल्लाह, की चाय काफी बेची है माशाल्लाह। हमारे प्रधानमंत्री से इंस्पायर है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी देखे डोली भाई की रील जो बिल गेट्स मिले ना उसके बाद, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी यूं करके चाय डाल ऐसे ही चाय डालने वाले भाई ऐसे करके, मतलब करेंगे इंशाल्लाह। बस दूध डालते हुए जुबान मत मारी। अच्छा माशाल्लाह आमिर भाई को और फरीद भाई को, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है ना सर, मेरे भी आधे बाजू है, 6 डिग्री भी लगते हैं, मतलब 18 डिग्री भी होता है टेम्परेचर, 6 वाला पता नहीं कहाँ से लेके आया, 6 पे लगते ही भाई पंजाब के, हम क्या कर रहे हैं अभी, ठंडी होती है वहाँ पे। लो जी चाय बन रही है हमारी माशाल्लाह, ओहो जबरदस्त, क्लॉक टावर के सामने बैठ के गरम गरम चाय का इंतजार कर रहे हैं, और पीछे चांद माशाल्लाह भाई, चांद निकलने वाला है और उसकी जो रोशनी है माशाल्लाह ये देखिए, ओहो 15वीं है, 15वीं चांद। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबने इतना नहीं सच में दिल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ज्यादा शुक्रिया आप सबका, बिकॉज ये 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 लाइक हमारे लिए एक जो नॉर्मल इंसान आते हैं यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो यहाँ तक आते हैं, तो आप सब यहाँ के हैं और आपने इतना टाइम दिया हमें तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चाय रेडी हो चुकी है हमारी माशाल्लाह, सब अपने अपने गिलास के साथ वेटिंग फॉर द चाय माशाल्लाह, गर्मा गर्म माशाल्लाह। तो ये था हमारे हारिस भाई का सामान, चाय का सामान, तो भाई आप ऐसे ही पूरा सामान रेडी करके रखते हो माइक आपके पास है, लेकिन हाँ ऐसे ही माशाल्लाह। और इस जगह को अलविदा कहने का दिल नहीं चाह रहा,
जाना पड़ेगा बिकॉज सबको ठंडी लग रही है, क्या करें। चलो जी चलते हैं। माशाल्लाह प्लीज भाई लगा रहे हैं परफ्यूम पिंकी पिंकी माशाल्लाह। बैठ गए जनाब। हारिस भाई जज़ाकल्ला बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। चलो जज़ाकल्ला भाई, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी भाई जान, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मक्का टावर? माशाल्लाह मक्का टावर व्यू। यही तो फिर ये मतलब पहाड़ों आस पास सब पहाड़ है ना, तो मतलब को जो मतलब जहाँ भी ये पहाड़ों में जाके मतलब उनको ये कुरान की जो आयतें नाज़िल हुई ना, तो पहाड़ों में ही हुई है। और यहाँ के पहाड़ कितने अच्छे हैं ये आज मालूम पड़ा, दूर से देखते थे आज वहाँ जाने के लिए कितना कितनी ठंडक थी, ठंडक और सुकून का अलग। जैसे उन्होंने बताया कि हर एक नबी को जो जितने भी आए हैं सबका पहाड़ों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। सही बात है। तो ऑब्वियसली यहाँ के पहाड़ बहुत सुकून वाले, मज़ा आ गया माशाल्लाह। सुबह इस तरावी पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं टेरेस पे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है नीचे और हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं यहाँ पे माशाल्लाह, और ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़े सब्सक्राइबर, ये बहुत बड़े सब्सक्राइबर। तो टेरेस पे पहली बार जा रहे हैं माशाल्लाह, देखते हैं टेरेस कैसा है। मदीना में हमने हमेशा टेरेस पे ही तरावी पढ़ी है, आज हरम में भी आज टेरेस पे तरावी पढ़ी है।